हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करने वाले हैं इस वीडियो में जिंदल सॉ लिमिटेड को लेकर के। आज फिर से 303 रुपए का स्टॉक पहुंच चुका है। कहां हम लोगों ने 128 पे इसको कवर किया था और आज 303 रुपए पे स्टॉक पहुंच चुका है और लगभग 6% की रिटर्न आज भी इस स्टॉक में डिलीवर करते हुए दिखाया। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में और अच्छे रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर इस कंपनी की बात करें तो अभी भी स्टॉक भी बहुत हाई नहीं गया है। अभी भी सिर्फ 20 का स्टॉक भी है। बुक वैल्यू अभी भी देखा है तो 248 की बनी हुई है। डेट देखा जाए तो कोई तो यही होता है, जब भी इसी स्टॉक में बढ़िया मल्टी ईयर ब्रेकआउट आता है उसके बाद स्टॉक को किसी प्रकार का भागता है। अगर उसकी बुक वैल्यू वगैरह सारी चीजें अप ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही हो, बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने के बाद में स्टॉक को किसी प्रकार के रन दिखाता भी है। अगर इसके और सपोर्ट क्यों कर रहा है, सपोर्ट इसको कर रहा है लगातार इसके परफॉर्मेंस, लगातार इसके जो नेट प्रॉफिट्स हैं इंक्रीज हो रहे हैं। इस बार भी 294 करोड़ के प्रॉफिट्स देखने को मिले थे, जबकि थोड़ी कितनी प्रॉब्लम है आयन वगैरह के इस टाइम पे ट्रेडिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी तरीके के इंडियन कुछ चीजों पे बैन लगा दिया था। बैन नहीं मतलब थोड़ा सा सरचार्ज लगा दिया था और डॉलर इंडेक्स किया था बहुत हाई था। अब डॉलर इंडेक्स भी कूल ऑफ हो रहा है और इसी वजह से अब थोड़े से लग रहा है कि आयन के और वगैरह के जो स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छा सा फायरवर्क हमें देखने को मिलता है। मतलब मेटल के स्टॉक इस टाइम पे कुछ अच्छे फायरवर्क्स इस स्टॉक में देखने को हमें मिल सकते हैं। इनमें जिंदल सो भी अभी और अप ट्रेंड की तरफ जाता हुआ मिल सकता है। टेक्निकली देखें तो हम लोगों ने टेक्निकली यहाँ पर स्टॉक में जब 128 के ऊपर का स्टॉक निकला था यहाँ पकड़ा था, ऊपर गया स्टॉक, नीचे रिटेस्ट किया, स्टॉप लॉस हम लोगों ने स्टैगनेंट के नीचे का रखा था, अराउंड 106 के आसपास का रखा था स्टॉप लॉस। और लेकिन स्टॉक ने क्या बढ़िया मूवमेंट दिखाया है, यहाँ पर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट, ये भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस किया जरूर, लेकिन रीटेस्ट करके स्टॉक वापस से क्या बढ़िया मैसिव मूव देखने को मिले। कुछ एक 3 वीक्स ये थोड़े से टाइट रहे, यहाँ पर इनसाइड बार का ब्रेकआउट भी देखने को मिला और अभी भी मुझे लग रहा है कि 350 रुपए के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस के लिए क्या करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लोगों को कहाँ लेना ले जाना चाहिए, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए मैं 256 के नीचे का स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, या 256 के नीचे का स्टॉप लॉस लेंगे। अभी भी स्टॉप लॉस जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा रहता है 254 के नीचे का, यानी 250 का हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर के अभी इस स्टॉक में रह सकते हैं। और अगर आपका 250 के आसपास निकले तो इमिडिएटली एग्जिट कर जाइए, हो सकता है स्टॉक वापस से फिर हमारा नीचे की तरफ आता हुआ दिखे, लेकिन अप ट्रेंड अभी कंटिन्यूसली है तो तब तक इंजॉय कीजिए अप ट्रेंड को। और अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन डालने की कोशिश करूँ तो स्टॉक कुछ अगर ये ट्रेंड लाइन भी तोड़ने की कोशिश करे तब भी आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। तो ये था जिंदल सॉ को लेकर के टेक्निकल व्यू। आप लोगों को क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, धन्यवाद।